The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, this is Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Namaskar, adab, sat sri akal. Dosto, ek nayi theory aa rahi hai. जो कि लंग इन्वॉल्वमेंट COVID-19 कोरोना वायरस के वजह से जो लंग्स के अंदर हमारे बीमारी होती है, निमोनिया होता है, उसके बारे में जो कि ऑब्जर्वेशंस हुई हैं यूएसए में, जितनी सारी डेथ हो रही हैं स्पेन में, इटली में, इन पेशेंट्स के पोस्टमार्टम्स में ये निकल के आया है कि जो पेशेंट्स हैं उनमें टिपिकल ARDS जो कि माना जा रहा था कि जो पुराना SARS वायरस था, SARS-1, वो ARDS कर रहा था, वो टिपिकल ARDS जैसी फाइंडिंग नहीं है, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस जैसी फाइंडिंग है. ऑल्सो इन पेशेंट्स में हाइपोऑक्सीमिया जो हो रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो के पीप प्रेशर, जो हम प्रेशर देते हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, मतलब लंग्स के बंद हो जाने की वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जबकि हाई फ्लो ऑक्सीजन देने से फ़ायदा हो रहा है. सो ऑक्सीजन का फ़ायदा हो रहा है, ना कि पीप प्रेशर का. तो ऐसा क्यों हो रहा है, समझने के लिए स्टडीज़ हुई इस पर कि नोवल कोरोना वायरस, न्यू ये COVID-19 SARS COV-2 ये निमोनिया करता है, एक इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, कैसे करता है. देखिए, यह वायरस जो स्टडी में निकल कर आया वो हम आपसे बता रहे हैं. वायरस ये पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, ये एक हाई होमोलोगसिटी है इसकी बैट के आरएनए से, ठीक है, बैट से आया होगा, बिल्कुल ठीक है. लेकिन इन वायरसेस में जो हमने एक बार ही आपको आरएनए का पूरा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर बताया था PCR वाले वीडियो में, उसमें हमने बताया था उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं ऊपर सर्फेसेज में, ORF8, ORF3A, ORF AB, ORF, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आरएनए के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, राइट, पार्ट्स होते हैं. अब क्या देखा गया स्ट्रक्चर में कि इनमें से ये यहाँ पर जो सर्फेस के ऊपर प्रोटीन है वायरस का, एक और ORF8 नाम का प्रोटीन है और एक सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आपके खून में जो आयरन पोरफायरिन रिंग है हीमोग्लोबिन के अंदर, पोरफायरिन आयरन रिंग है जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, जो पकड़ता है ऑक्सीजन को लेके जाता है, उसको बाइंड कर जाता है. और साथ ही ORF AB, ORF1AB, ORF10 और ORF3A प्रोटीन, ये सब वायरस के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं, ये हीम के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, जो के बीटा वन चेन हीम के ऊपर अटैक करते हैं और वहां से आयरन को निकाल देते हैं. हीमोग्लोबिन में हीम के अंदर जो आयरन पोरफायरिन रिंग है उसमें से आयरन को निकाल दिया जाता है. इस वजह से क्या होता है, जब आयरन नहीं होगा, आयरन होता है जिसकी एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन को पकड़ने की, ऑक्सीजन को वो तभी पकड़ेगा जब आयरन होगा, जब आयरन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा और हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन में से हीम ही निकाल दोगे, आयरन निकाल दोगे तो हीम नहीं रह जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, लंग के टिश्यू के अंदर एक्सट्रीम मान के चलिए इन्फ्लामेशन, पॉइजनिंग जैसा सिचुएशन होने लग जाएगा वहां पर, जहां पर आयरन पॉइजनिंग हो रही है. एक तरीके से आयरन निकलते जा रहा है, आयरन पॉइजनिंग होती जा रही है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है इनफ्रीक्वेंटली, इसके वजह से लंग के अंदर जो ग्राउंड ग्लास लाइक इमेजेस हमें सीटी स्कैन में देखने को मिल रही है ऐसे पेशेंट्स में, वो इस कारण के वजह से मानी जा रही है. ना यहां पर नॉर्मल हीम का एनाबॉलिक पाथवे बॉडी के अंदर वहां भी इशू आ जाता है, तो ह्यूमन के अंदर यह डिजीज हीमोग्लोबिन की जैसे मिथ हीमोग्लोबिन की एक और बीमारी है, अगर अपने उसके बारे में पता है तो, उसके जैसे ही वायरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन हीम को डिस्प्लेस कर देती है, आयरन डिस्प्लेस हो जाता है, फ्री आयरन टॉक्सिसिटी हो रही है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है और वहीं पर आपके लंग्स के अंदर एल्वियोलाई मैक्रोफेजेस वहां पर डैमेज कर रहे हैं और वो सीटी स्कैन के जैसे चेंजेस कर रहे हैं. इसीलिए इन्वेजिव वेंटिलेशन, वेंटिलेटर का भी जिन केसेस में इतनी डीप बीमारी हो रही है उसमें कुछ खास फायदा नहीं हो पा रहा, ये एक चीज है. सो इन पेशेंट्स को जब आयरन की या हीमोग्लोबिन की कमी कम हो जाएगी तो हो सकता है इनको नया हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़े, ना बात करते हैं ना, हो सकता है इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, क्योंकि वायरस जो है बीटा चेन को अटैक कर रहा है, हीमोग्लोबिन को अटैक कर रहा है, आयरन को हटा रहा है, तो वायरस कैन ऑल्सो कॉज दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी ग्लाइकोक्सी हीमोग्लोबिन, ये सारे इशूज को अटैक कर, डिसोसिएट कर सकता है, तो हीम को वो कहीं से भी डिसोसिएट कर सकता है. लंग इन्फ्लामेशन फ्रॉम यहाँ पर हो रहा है बिकॉज
एक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, और आयरन पॉइजनिंग भी हो रही है, राइट. और ये इस बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक और समझना चाहिए कि जो हीम के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर जो पॉर्फायरिन रिंग है, वो एक थोड़ी सी पकड़ रिंग है, बेंड है उसमें एक जगह पे, जहां पर ऑक्सीजन जब लगता है तो वो ऑक्सीजन एक तरीके से उसको बेंड को बंद करके ना वो ट्रैप कर लेता है. आयरन जो है अपने प्लेन में आ जाता है, और आयरन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, वहां पे एफिनिटी है, तो आयरन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, बंद कर लेता है, तो हीमोग्लोबिन काइंड ऑफ, जिसके अंदर आयरन है, काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक अ ट्रैप डोर. जैसे ऑक्सीजन ट्रैप कर लेता है, फिर आगे जाके जहां पर उसको छोड़ना होता है ऑक्सीजन, वहां पर वो पीएच सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, पीएच जब चेंज होता है तो वो छोड़ देता है, राइट. तो ये ऑक्सीजन ट्रिगर ट्रैप क्लोज सिस्टम, स्टॉप एंड स्टॉप सिस्टम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर. नाउ एक इंपॉर्टेंट पीएच सिस्टम, अब क्यों सिर्फ लंग्स में, क्योंकि पीएच बैलेंस करने वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया आपका लंग्स है. आपके लंग्स में पीएच रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों पीएच बैलेंस करते हैं, साथ में बाइकार्बोनेट भी है. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी से मिलाएंगे तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक. तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता जाएगा, उतना एसिडिटी बढ़ती जाएगी आपके ब्लड की, आपके लंग्स के अंदर की. और उसका जो दूसरा बैलेंस करने वाली चीज है वो है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ब्लड बफर सिस्टम जो आपकी किडनी बनाती है. अब अगर आयरन नहीं होगा एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज मतलब आयरन नहीं होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड से साथ में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो पाए, तो रेस्पिरेटरी यानी सांस के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने लगेगा. जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने लगता है तो ना सिर्फ लंग्स का, पूरी बॉडी के टिश्यूज का, सारे बॉडीज के अंदर पीएच चेंज होने लगता है. बॉडी हाइपोक्सिक, लो या नो ऑक्सीजन के स्टेट में पहुंच जाती है. जहां पर लो ऑक्सीजन होगा वहां पर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जो पहले इन्फेक्शन नहीं कर सकती थी, वहां हावी होने लगेगी, क्योंकि एरिया जो है वहां ऑक्सीजन ही नहीं है, वर्किंग ही नहीं हो रही है. साधारण जैसे घर खुला है, कुछ नहीं है, ताला नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां हमले होंगे, तो वहां पे आसपास के लोग भी हो सकता है उठा के ले जाए, वैसे ही आसपास के बैक्टीरियाज भी जाके इन्फेक्ट कर देते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं. इसी का यही सारा हो रहा है इस COVID-19 की बीमारी के अंदर. एक तरीके से एक ट्रैफिक जैम हो जा रहा है आपके लंग्स के अंदर, कि अब ऑक्सीजन, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लग जाएगा. तो इट्स वेरी वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ सिचुएशन. अगर कोई पेशेंट है जो पहले से एनीमिक है, सोचो उसका क्या होगा, उसके अंदर ऑलरेडी खून की कमी, और खून में से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले आयरन और हट गए, तो और ज्यादा दिक्कत. तो ऑक्सीजन की कमी, आयरन यानी जिसको ऑलरेडी एनीमिया है, थैलेसीमिया है, वो भी हाई रिस्क में आ जाएंगे अब ऐसे केसेस में, ऐसे समझेंगे अगर तो. सो अगर हम बात करें कि भाई ऐसे में हम अपनी इम्यूनिटी बढ़े करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें ऐसे चीजें करनी है जिससे खून बढ़े, ऑब्वियसली जिससे आयरन, जैसे हीमोग्लोबिन बढ़े, हीमोग्लोबिन ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा. सो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ विटामिंस कौन से होते हैं, विटामिन सी, आयरन, कॉपर, विटामिन ए, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन ई, ये बहुत अच्छे होते हैं, राइट. तो ये ऑब्वियसली इसमें समय लगता है, क्योंकि आपकी बोन मैरो को काम करना होता है, राइट. आप इसको ऑब्वियसली डायरेक्ट जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है, आप हीमोग्लोबिन डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जो आगे देखा जा रहा है कितना सक्सेसफुल होगा. और एक और पॉसिबिलिटी है, घर में आप प्रिवेंशन के लिए भी एक काम कर सकते हैं. घर में जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो क्लोरोफिल, जी हाँ, प्लांट बडी, जो आपके प्लांट है उनका खून जो है वो क्लोरोफिल होता है, राइट. क्लोरोफिल वाले सिस्टम से हमारा हीमोग्लोबिन है, उनका क्लोरोफिल, राइट. हमारे और उनमें डिफरेंस क्या है, कि हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है. सो क्लोरोफिल एक प्लांट का ब्लड मान लीजिए, ये अगर आप इसको अपने डाइट में ज्यादा रखते हैं, और यस, आप ऑलरेडी खा रहे हो कई चीजों में, जैसे व्हीट में है, गेहूं में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, स्प्राउट्स में है, हर्ब्स में है, जैसे बेसिल, पार्सली, सिलेंट्रो, सी वेजिटेबल्स, कैल्प हो गया, उन सब चीजों में आपको अच्छी मात्रा में प्लांट क्लोरोफिल मिल जाएगा. अब ये प्लांट क्लोरोफिल क्या करता है, ये करता क्या है, इसमें जो ये है मैग्नीशियम है, आपकी बॉडी मैग्नीशियम हटा के उसमें आपका हीम ले लेती है. सो दैट कैन एक्ट एज योर प्रोटेक्टिव एजेंट. अगर आप ये रेगुलर बेसिस में ये भी खा रहे हैं, तो घर में है तो हरी पत्ती वाली सब्जी खाइए, स्प्राउट्स खाइए, और गेहूं खाइए, वीट खाइए, बार्ली ग्रास खाइए, वीट की ग्रास खा सकते हैं, ये सब खा सकते हैं, वीट ग्रास इज ऑल्सो गुड. सो दीज आर गुड थिंग्स. प्लस रिसर्च में क्या देखा गया, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेडिसिन भी है ऐसी, क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ऐसी मेडिसिन है, जिससे जो हमने प्रोटीन की बात करी थी, जो वायरस के ऊपर प्रोटीन ORF AB ORF 3A ORF 10, जो डायरेक्ट हीम को अटैक कर रहे हैं, जिससे हीम पॉरफिरिन से हट जा रहा है,
उस चीज को इनहिबिट करते हैं, उन चीज को इनहिबिट करता है क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, और साथ ही ORF8 और सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन को भी इनहिबिट करता है। इससे क्या होगा, आपका वायरस आपके हीमोग्लोबिन से हीम आयरन को अलग ही नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्लोरोक्वीन को प्रिवेंशन में दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट में दिया जा रहा है, राइट। और एक दवा है फावी पीवावीर के बारे में हमने ऑलरेडी बताया था, जो फाविलाविर के नाम से भी आती है, उसको भी वो भी इनहिबिट कर सकता है जो वायरस के ऊपर एनवेलप प्रोटीन है ORF7A प्रोटीन को इस पोर्फरिन से बाइंड करने के लिए, राइट। इसको भी, ये भी एक्टिव है और ये भी फ्री पोर्फरिन को बचा सकता है, ये दोनों चीज़ों को हेल्प हो सकती है। इसीलिए क्लोरोक्वीन बाइंडिंग और फाविपीवावीर बाइंडिंग से बचा सकते हैं, जिनको यूज किया जाएगा जा रहा है इलाज के लिए। तो दोस्तों अब ये नए वायरस को स्टडी करते हुए नई नई बातें हम सीख रहे हैं, नई बातें समझ आ रही है कि हाँ हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और कैसे और पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। सो ये सारी रिसर्च ऑलरेडी मौजूद है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, और मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, हो सकता है इंडिया के अंदर, हो सकता है बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बात अभी तक नहीं पता हो, तो हो सकता है वो देख के इस बात पे और स्टडी करे, इस बात का कई लोगों को फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मेक श्योर टू वॉच ऑल माई वीडियोज़ एंड शेयर ऑल माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हम मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, आपको मेहनत करनी है इसको आगे बढ़ाने की। थैंक यू सो मच, आई एम डॉक्टर परमजीत, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली NCR। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।